जी अब क्या हो गया है, भीड़ का इतना जोर जोर से। मैं सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी आती हूँ भीड़, आप लोगों का यहाँ सोसाइटी मीटिंग में स्वागत करता हूँ। आप सोच के तो देखिए कि आप हाफ पेंट पहनकर आते तो लोगों पर फुके फेंकते हुए कैसे लगेंगे, सोचिए तो सही कैसे लगेंगे। अरे जेठा जी आप, अरे बबीता जी, बबीता जी आप यहाँ पर टपके बाबा आपकी चाय पी लीजिए, कैसी लगी आपको चाय। अरे ये गुब्बारा कहाँ से आ गया, ये जरूर उस टप्पू की शरारत होगी। इस सोसाइटी में एक वो टप्पू ही है जो कि बाकी सभी बच्चों को भी बिगाड़ रहा है, परेशान कर दिया इस टप्पू ने। जेठालाल 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 सुनो यहाँ नीचे आओ। अरे ये भेड़े भाई इतना जोर से कैसे चिल्ला रहे हैं। अरे रे ये सुबह हुई नहीं कि इस भेड़े की चिक चिक फिर से चालू, देख देख दया तेरे बेटे की वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अब पता नहीं इस टप्पू ने फिर से क्या किया है, कुछ समझ नहीं आएगा। चल अभी शांति से चाय भी नहीं पी सकते। चल हे माँ माता जी अब क्या हो गया है, भेड़े भाई इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। जरूर पता नहीं टप्पू की कोई शिकायत होगी, ये टप्पू भी ना, हे माता जी ध्यान रखना। टप्पू के पापा आप नीचे जा रहे हैं, शांति रखिएगा टप्पू के पापा शांति रखिएगा। हाँ बोल भीड़े क्या हो गया, शांति से चाय भी नहीं पीने दे रहे, क्या हो गया। अरे भीड़े भाई क्या हुआ, आप इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं मेरे टप्पू पे। जेठालाल तुम्हारी टप्पू की शरारत देखो फिर से, होली का वेकेशन चालू हुआ नहीं कि इसकी शरारतें फिर से चालू हो गई है। ले अभी बच्चों के वेकेशन है तो बच्चे खेलेंगे ही ना, होली है तो होली में तो बच्चे खेलेंगे ही। अब होली में भी थोड़ी ना है कि वो पढ़ते रहेंगे, तो फिर वेकेशन में और पढ़ाई में बाकी में फर्क क्या रहेगा। अरे भीड़े भाई अब आप बताइए, बच्चे हैं उनकी छुट्टियां तो वो लोग शरारत तो करेंगे ना, खेल रहे हैं, अब खेलना को शरारत थोड़ी बोलते हैं। तो तेरे को ऐसा क्यों लगता है कि हर बार मैं टप्पू शरारत करी तो वो सिर्फ टप्पू ने करी है, पूरी टप्पू से ना शरारत ना शरारत करती है। हो सकता है किसी और ने करी हो, तुम्हारी बेटी ने करी हो, और बाकी लोग भी तो है इतने सारे बच्चे सोसाइटी में, तो फिर सिर्फ तू टप्पू पे ही क्यों आता है। अभी आते जाते रास्ते में लोगों पर कंपाउंड पर सोसाइटी में सब लोगों पे फुग्गे मारे जा रहे हैं, पानी से भर भर के गुब्बारे मारे जा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात होती है, ये कोई शिष्टता होती है। अब देखो सोसाइटी एक एक में सेक्रेटरी पर ये गुब्बारे फेंक रहा है, आते जाते लोगों पर फेंकेगा, लोग तैयार होकर जाते हैं अपने अपने काम पे निकल रहे होते हैं, सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, सब पे इस तरह से गुब्बारे फेंके जा रहे हैं। क्या फुग्गे मारे, मेरा टप्पू ऐसा कर ही नहीं सकता है। एक मिनट रुक मैं बुलाता हूँ टप्पू, टप्पू कहाँ है टप्पू। अब ये देख बच्चे सब छुप गए हैं और वो जल्दी से भाग भी, अब देख दिया क्या करे इसका, चलते फिरते लोगों पर गुब्बारे मारे जाए। अब मैं सोसाइटी से निकलूं और मेरे ऊपर भी गुब्बारा फेंक दे तो ऐसा थोड़ी चलेगा, मैं क्या वापस वापस जाऊं शर्ट बदलते रहूं शर्ट बदलता रहूं। तो भीड़े भाई बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो आप शरारत करेंगे क्या। आप सोच के तो देखिए कि आप हाफ पेंट पहनकर आते जाते लोगों पर फुग्गे फेंकते हुए कैसे लगेंगे, सोचिए तो सही कैसे लगेंगे। अरे दया भाभी आप क्या कह रही है, ये क्या बोल रही है हाफ पेंट क्या बोल रही है तू। दया नहीं दया भाभी मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को शरारत नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात ये है ना कि शरारत में भी तो शिष्टता होनी चाहिए ना, थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना चाहिए, इस तरह से लोग काम पर जाने से थोड़ी ऐसा कुछ करना चाहेंगे। भिड़े एक काम कर टप्पू को शांति से समझाते हैं। जेठालाल जेठालाल तुम अपने बेटे को समझा लो, इस तरह से शरारतें नहीं चलने वाली है सोसाइटी में। आज शाम को मुझे एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी और इस मुद्दे पर तो फैसला लेना ही पड़ेगा, आज शाम को सोसाइटी की मीटिंग है, बाकी का जो भी बात है वो रात की मीटिंग में नक्की करते हैं, तो वहीं पे देखते हैं आगे क्या करना है। टप्पू के पापा आज शाम को पार्टी में आप कह दीजिएगा कि होली की पार्टी तो होके रहेगी, ऐसे बच्चों का खेलना थोड़ी रोका जाता है, बच्चों की छुट्टियां हुई तो वो खेलेंगे तो सही, बाद में पढ़ लेंगे ना। अरे बबीता जी, बबीता जी आप यहाँ पर, हाँ यार तुम्हें और कितना टाइम लगेगा, मैं कब से तुम्हारा नीचे सोसाइटी में वेट कर रही हूँ। अरे जेठा जी आप, वैसे आप अभी तक दुकान नहीं गए जेठा जी, मैं बस अभी दुकान जा ही रहा था कि आप मिल गई, चलो बहुत अच्छा हुआ। वैसे बबीता जी एक बात है, आप इतनी जल्दी सुबह सुबह इतने तैयार होकर के कहाँ जा रही है। थैंक यू जेठा जी, वैसे ये तो मेरी नॉर्मल ड्रेस है, मैं तो अभी कैजुअल फ्रेंड के जा रही थी तो मैंने कैजुअल ड्रेस ही पहनी है, वैसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ये अय्यर भाई का हमेशा का ये ना, आप हमेशा तैयार होकर के जल्दी नीचे आ जाती है, लेकिन अय्यर भाई का तो आप वेट करती ही रहती है। वैसे होली का क्या प्लान है आपका। होली के, होली तो मुझे बहुत पसंद है, होली के बहुत अच्छे प्लान्स हैं, लेकिन ये बात है हमें होली ना एकदम नेचुरल कलर से खेली चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी स्किन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम ऐसे किसी आर्टिफिशियल कलर से ऐसे किसी से होली खेल ले, वो तो नहीं कर सकते ना जेठा जी। एकदम सही बात कह रही है बबीता जी, देखिए ना हमारी और आपकी सोच कितनी मिलती है, मैं भी यही चाह रहा था कि इस बार हम लोग एकदम नेचुरल कलर से होली खेले, इसीलिए ना मैंने मेरे दोस्त से कहकर के एकदम फूलों का कुदरती कलर बनवाया है। अरे वाह जेठा जी आपके दोस्त है, तो जेठा जी एक काम करेंगे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज, आप एक काम कीजिए ना मेरे लिए भी ना वो आपके नेचुरल कलर्स मंगवा दीजिए ना, मुझे ना फूलों के जो ओरिजिनल कलर्स बनते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, और वो फिर हमारी स्किन के लिए भी तो कितने अच्छे होते हैं, मैं ना वो आपको ला करके दूंगा और आप फिर उसी कलर से होली खेलना और हम होली खेलेंगे, हम मतलब पूरी सोसाइटी में सब लोग मिलकर के उसी कलर से होली खेलेंगे।
थैंक यू जेठा जी, थैंक यू सो मच, ओके बाय। ठीक है बबीता जी, बाय बाय। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मैं सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी आतू भीड़े आप लोगों का यहाँ सोसाइटी मीटिंग में स्वागत करता हूँ। अब बोल भीड़े, तूने अभी मीटिंग क्यों बुलाई है? आप सभी को यहाँ अभी मीटिंग का मुद्दा तो अच्छे से पता ही है। तो मीटिंग का मुद्दा ये है कि क्या हम लोगों को इस बार होली मनानी चाहिए कि नहीं? हे माँ माता जी, आप क्या कह रहे हैं? आप होली की पार्टी बंद कराना चाहते हैं? ऐसा थोड़ी होता है, मतलब अब होली का त्योहार है तो ऐसा थोड़ी होता है। टप्पू के पापा, आप कुछ कीजिए ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो क्या बच्चों के वेकेशन आएंगे तो होली भी नहीं खेलनी? ऐसा थोड़ी होता है। वेकेशन है तो ठीक है ना, बच्चे सुबह पढ़ लेंगे शाम को पढ़ लेंगे, लेकिन सोसाइटी में बाकी सब तो होली खेलेंगे। मैं तो होली खेलूंगा, पर जेठालाल बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं क्या जेठा? एक मैं सेक्रेटरी के साथ साथ एक शिक्षक होने के नाते मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि मुझे अभी नहीं लगता कि हमें यहाँ पर होली मनानी चाहिए। क्यों क्या भीड़े भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्योंकि बात यह है कि बच्चों के एग्जाम सर पर है, बच्चों को इतनी सारी किताबें करनी, पढ़ाई करनी, और इस तरह से उनका पूरा एक दिन खराब करना होली खेलने के लिए, जो कि सही नहीं लगता। सब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस तरीके से पानी से होली खेलना, गुब्बारे फेंकना, ये सब मुझे सही नहीं लगता है। इसमें आप लोग अपनी अपनी राय दे सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग बताइए। भीड़े भाई, ये बात आप क्या कह रहे हैं कि होली की पार्टी नहीं होगी? ऐसा थोड़ी होता है, बच्चों के एग्जाम में तो उसको संभाल लेंगे ना, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि होली नहीं खेले, ऐसा नहीं हो सकता। भीड़े भाई, बच्चों का कितना मन है, बच्चों के बारे में तो सोचिए। वैसे भीड़े भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि हम लोगों का भी प्लान है कि हम लोग भी बाहर जा सकते हैं। सो ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं होती है होली पार्टी तो हमें चलेगा क्या? हे माँ माता जी, आप बोल रही है कि आप बाहर जाएंगी तो ऐसा थोड़ी होता है। बबीता जी, होली है तो होली तो हम सबके साथ मनानी चाहिए ना आपको यहाँ सोसाइटी में, आप बाहर क्यों जा रही है? अरे बबीता जी, आप क्या कह रही है? आप इस बार होली पे यहाँ नहीं है तो फिर आप कहाँ जाने वाली है? हाँ जेठा जी, हाँ वो सुबह मेरा प्लान था कि मैं नहीं जाऊं, लेकिन अभी फिर हम लोगों का आफ्टरनून में प्लान बन गया, सो अब हम लोग जा सकते हैं। अब हम लोगों को बाहर जाना है होली सेलिब्रेट करने के लिए, कहीं मस्त सी जगह पे जाने वाले हैं हम लोग। पर बबीता जी, होली तो सोसाइटी में अपनों के साथ, अपने मतलब सबके साथ खेलने में मजा आता है, तो आप यहाँ पर खेलिए ना होली, सबके साथ कितना मजा आएगा। अय्यर का प्लान है, अय्यर के साथ जाने वाले हैं। तो नक्की आप जाने वाली है होली पे? अय्यर भाई सच में जाने वाले हैं? यस जेठा जी, कंफर्म है प्लान। ओके के बाय। ठीक है जेठ, ठीक है फिर भीड़े, चल सोसाइटी में। ठीक है, होली खेलने का रेत नहीं रखते खाना। अभी एक मिनट पहले तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हें होली खेलनी है, होली खेलनी है, तुम तो होली खेलोगे, और अभी अगले पल तुम बदल रहे हो कि ठीक है चलो नहीं खेलनी। समझ में नहीं आता इनका क्या चल रहा है। नहीं मतलब अभी बच्चों के एग्जाम है तो बच्चों के एग्जाम से बढ़ के थोड़ी है।